इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लगातार गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौगछिया NH 31 सड़क पर। यहाँ पर पानी का दबाव इतना बढ़ा NH पर कि सड़क जो है NH जो है खोखली हो गई। किस तरह से यहाँ पर NH खोखली हुई है ये आप देख सकते हैं। आनन फानन में अधिकारियों व कर्मियों द्वारा बोरी डालकर इसको रोक दिया गया है। पूरा जो पानी का बहाव है काफ़ी तेज हो गया था, जिसके बाद ये पानी जो है उस पार बहने लगा था। काफ़ी फ्लो जो था काफ़ी तेज था और NH जो है यहाँ पर खोखली हो गई है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा गाड़ियों पर रोक नहीं लगाई गई है, ट्रक चलाया जा रहा है। अगर इसी तरह हालात रहे तो NH यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये कटते देखा है उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कटा हुआ था, कैसे हुआ था यहाँ पर कट। यहाँ सवेरे जब पहले से पानी कुछ बह रहा था, ठीक ना, जब बंद करने आए तो अपने आप सुरंग हो गया। पूरा पानी जो करंट के तरफ से आ रहा था, जब फोन किए सलेश यादव को, वो 5 मिनट में आया तुरंत राहत के लिए। बोरी किन के द्वारा गिरा गया? अभी सलेश यादव गिरवाया था। सलेश यादव जी, हाँ, जल संसाधन विभाग। ट्रक पर रोक नहीं लगाया गया? कोई ट्रक पर नहीं रोक लगाया। इधर कोई है ना, थोड़ा सा पुलिया टाइप का चीज था तो पहले बंद कर दिया गया था, उसी वो कुछ पोखर बन चुका है। तो जो इंजीनियर साहब हैं वो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंट्रोल भी कर लिया है और ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो उसके अलग पुलिस में लगा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। देख सकते हैं कि आप किस तरह से भारी वाहनों का परिचालन अभी भी इस रूट से किया जा रहा है, जबकि NH पूरी तरह से खोखली हो गई है। इस पार से उस पार का जो है दृश्य नजर आता है, लेकिन यहां पर परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया। आधे NH पर रोक लगा दिया गया, आधा NH पर जो है परिचालन लगातार हो रहा है। इससे पूर्व NH 80 पर जो है NH 80 ध्वस्त हो गया था, वहाँ पर भी परिचालन पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद गंगा के विकराल रूप के बाद यहाँ पर NH 31 पर ये हालात बन रहे हैं। अगर परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया तो पूरी तरह से आवागमन ठप हो जाएगा और नौगछिया कटिहार का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगा। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।